दोस्तों, इस वीडियो में हम WZIRX टोकन के बारे में जानने वाले हैं कि WZIRX टोकन का प्राइस कितना पंप हो सकता है और कितना डंप हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना। और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं फ्री एयर ड्रॉप्स और जो भी सिग्नल्स आते हैं क्रिप्टो और फॉरेक्स से रिलेटेड देता रहता हूँ। तो चलिए जानते हैं WZIRX के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको इसका करंट प्राइस अभी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कॉइन मार्केट कैप। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉइन मार्केट कैप मैंने ओपन कर लिया है, और मैं यहाँ पर इसकी सारी डिटेल आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। तो जो भी टोकन्स होते हैं, जो भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, चाहे वो अल्ट कॉइन हो या फिर कोई भी क्रिप्टो हो, उन सारी उसका जो भी कैपिटल होता है, जो भी डिटेल होता है, यहाँ से आप कॉइन मार्केट कैप से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे WZIRX सर्च कर ले रहा हूँ, ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो टॉप 100 से बाहर अभी जा चुका है ये WZIRX कॉइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो करेंट प्राइस अभी चल रहा है वो $1.38 के करीब चल रहा है, और 20% ये गेन हुआ है अभी। तो ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका सिग्नल दे रखा था, जब इसका प्राइस लगभग 80 रुपये के करीब था तब मैंने इसका सिग्नल दिया था, और ये अब तक 20 से 25% तक ये गेन हो चुका है, पम्प हो चुका है, और काफ़ी लोग इससे प्रॉफिट उठा चुके हैं। तो जो भी लोग उस टाइम बाई किए थे उनका अभी प्रॉफिट में लगभग, अगर 10,000 रुपये लगा के बाई किए थे तो उनका अभी 2,500-3,000 रुपये के करीब प्रॉफिट में चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका करंट प्राइस से इतना चल रहा है, और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका मार्केट कैपिटल है वो डिल्यूटेड मार्केट कैपिटल है, वो आप देख सकते हैं 68% प्लस में चल रहा है। इसका मतलब है जो बायर्स के जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके जो चांसेस हैं पंप होने के वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा पंप हो सकता है, तो इसका प्राइस कितना पंप हो सकता है ये मैं आपको बाइनेंस के चार्ट पे बताने वाला हूँ, वहीं पे आपको मैं समझाऊँगा कि कैसे ये कितना ज़्यादा पंप हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेडिंग वैल्यूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस टाइम। और अब चलते हैं हम बाइनेंस पर, आपको दिखा देते हैं चार्ट में कि कैसे हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी चार्ट ओपन किया था, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर सेलर्स का मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा था, तो इसी वजह से ये डाउन आया है, डंप हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि रेड कैंडल काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रही होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ से ये डंप हुआ है, यहाँ से आपको इसमें सबसे ज़्यादा रेड कैंडल्स दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सेलर्स का जो मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसी वजह से कॉइन जो है वो डंप हुआ था। तो यहाँ मैं पीछे भी आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जब पिछली बार पंप हुआ था तो $60.66 के करीब गया था, और उसके बाद यहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम बढ़ गया था। इतना आपको सिर्फ इतना ही देखना है, यहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम बढ़ गया था, इसका मतलब ये हुआ कि ये अब डंप होने वाला है। तो जब ये यहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम बढ़ा उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा डंप हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 0.85 तक डंप हुआ था। उसके बाद भी बायर्स का मोमेंटम नहीं बढ़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद भी सेलर्स का मोमेंटम कंटिन्यू बना रहा, और ये इतना ज़्यादा डाउन डंप हो चुका था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद से यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है, तो ग्रीन कैंडल्स जो यहाँ पे बनी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे ये प्रूफ होता है, ये एविडेंस है हमारे पास कि ये पम्प हो सकता है, और अगर डाउन भी आता है तो कितना डाउन आ सकता है ये भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। क्योंकि ये वाली जो कैंडल दिख रही है आपको, जो लास्ट वाली कैंडल दिख रही है, ग्रीन वाली और रेड वाली, ये दोनों कैंडल जो है ये यहाँ पे सपोर्ट बना चुके हैं। तो अगर ये मान लीजिए अगर ये डंप होता है तो इस कैंडल तक ज़्यादा से ज़्यादा डंप होगा,
इस वाली कैंडल तक। उसके बाद इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा पंप होने वाला है, मान के चलिए आप $2.3। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये इसका मेन रेजिस्टेंस है और ये $2 क्रॉस करने वाला है। तो हो सकता है इसी महीने में या इसी हफ्ते में ये $2 क्रॉस कर दे। तो जो लोग भी अभी बाई नहीं किए हैं वो लोग अभी बाई कर सकते हैं, अभी भी उनके पास टाइम है। और जो लोग बाई किए हुए हैं, जिनका जो लोग 10,000 लगाए थे इसमें या 20,000 लगाए थे, उनका लगभग 3,000 या 6,000 प्रॉफिट में चल रहा है, तो वो लोग अगर चाहें अपने रिस्क पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी प्रॉफिट में हैं, और होल्ड भी कर सकते हैं। अगर होल्ड करते हैं तो वो 2x प्लस तक प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।